भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिन्हाना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। बिहार गोपालगंज में MIM नेता की गोली मारकर हत्या, 3 माह में MIM नेताओं की हत्या की दूसरी वारदात। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बिहार के गोपालगंज से फिर एक बार आपराधिक किस्म की और राजनीतिक नेता के हत्या की खबर सामने आई है, वो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM पार्टी, जिसे पिछले 3 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में अपने 2 नेताओं को हत्याकांड में खोना पड़ा है। गोली और फायरिंग की इस वारदात के चलते 13 फरवरी को MIM के बिहार के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया, जो की गोपालगंज से उपचुनाव में MIM के उम्मीदवार भी रह चुके हैं विधानसभा के, और गोपालगंज मदरसा इस्लामिया के वो सचिव, गाड़ी से गोपालगंज रेलवे स्टेशन जा रहे थे। अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया, उनके साथ उनके दोस्त थे फैसल इमाम मुन्ना, कार से जा रहे थे और लखनऊ जाने के लिए निकले थे। स्टेशन पहुंचकर उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, मगर रास्ते में ही तुरकाहा पुल के पास जो है उनकी गाड़ी बाइक सवार लोगों ने रोकी और उसके बाद उन पर फायरिंग करके हथियार हवा में लहराते हुए ये हमलावर वहां से फरार हो गए। इस हत्याकांड ने पूर्वांचल, बिहार के पूर्वांचल में MIM का जो एक अच्छा खासा जनाधार बना हुआ है, वहां पर भारी खलबली मचा दी है। MIM के बिहार के जो जिम्मेदार है, वहां के जो बिहार के अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान और विधायक भी है, वो क्या कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, हम ये बारी बारी आपको सब बताएंगे। मगर आपको बता दें कि गत दिसंबर माह में सीवान के MIM के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की भी गोली मारकर हत्या की। इस तरह से ये दूसरा हत्याकांड MIM के नेताओं का हुआ है बिहार में ही, और इसी के चलते MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की कानून व्यवस्था, बदली हुई सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन सभी को आड़े हाथ लिया है। MIM नेताओं की लगातार होती हत्या बिहार में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। और सदमे के साथ मुझे इधर ख्याल करना पड़ रहा है कि MIM के सारण के जिम्मेदार और स्टेट सिक्योरिटी हमारे उम्मीद पार्टी के गोपालगंज से उम्मीदवार रहे जनाब मुखिया असलम साहब का अभी अभी आधा घंटा पहले जालिमों ने मर्डर कर दिया है, और इससे 1 महीना कबल, अभी 2 महीना कबल तकरीबन वहां सिवान में भी हमारे एक मजबूत कारकुन का मर्डर कर दिया लोगों ने, और हुकूमत आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मेरा हुकूमत बिहार से मुतालबा है कि मुस्लिम अकलियत के लोगों के जानो माल, इज्जत आबरू की तहफ्फुज नहीं हो रही है। MIM के पार्टी के जिम्मेदारों का इस तरह से कत्ल हो रहा है, आरिफ जमाल का पहले हुआ 2 महीना पहले, और अभी जनाब असलम साहब का हुआ। दोनों की पार्टी से मजबूत वाबस्तगी थी। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि कातिलों की फौरी तौर पर तलाशी की जाए और कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और MIM के कारकुनों को तहफ्फुज दिया जाए। हम लोगों ने पिछले कई महीनों से हुकूमत बिहार के तमाम तरह महकमे से, DGP से लेकर के IG सिक्योरिटी तक, होम सेक्रेटरी तक, हम लोगों ने गुजारिश की है, मैंने मुख्यमंत्री को लिख करके दिया है कि हमारे लोग निशाने पर हैं और हमारे लोगों को तहफ्फुज़ फराहम कराया जाए, लेकिन हुकूमत ने तहफ्फुज़ फराहम नहीं कराया है। वो वजीर आला का वादा है कि क्राइम से, करप्शन से और कम्युनिज्म कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला मोहतरम से हम गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इन कातिलों की गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों पर SIT करके फौरी तौर पर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। हम हुकूमत वक्त से शदीद तरीन मुतालबा करते हैं कि बिहार में अकलियतों के जानो माल, इज्जत व आबरू और बिलखसूस MIM के लोगों के तहफ्फुज़ का सामान करें। नीतीश कुमार जैसे ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक सौगात दिया है और गोपालगंज में हमारे पार्टी के एक सीनियर नेता अब्दुल सुबान साहब की हत्या कर दी गई है और उनके सर में और उनके पेट में गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और बाजू जो डिस्ट्रिक्ट है सिवान में भी हमारे
एक सीनियर लीडर की हत्या कर दी गई आज से 2 महीने पहले, तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के राज में कोई लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल नहीं है, राजद नहीं है, बीजेपी आई तब भी ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बरकरार है। और बड़े अफसोस की बात है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्यों अब्दुल सलाम साहब को उनकी हत्या की गई, कौन है उनके पीछे, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं लोग, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे और ये पूरी जिम्मेदारी सरकार पर आती है। एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी जिसमें SIT की टीम का गठन कर दिया गया है और घर वालों से हम लोगों की बात हुई है, कुछ लोगों को उन्होंने चिन्हित करके बताया है, लगातार छापेमारी चल रही है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT की टीम की गठन भी कर दी गई है, जल्द ही इसमें हम लोग अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। पहचान हुई है क्या मित्र? अभी तक पता चला है कि एक मोटरसाइकिल से सवार थे, हम लोगों ने उसमें कुछ कुछ लीड्स भी मिलने हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जल्द ही अरेस्टिंग करेंगे। अभी कुछ भी बताना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, जल्द ही अपराधियों को अरेस्ट करेंगे। मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को जल्द ही इस पे अपडेट करेंगे। MIM के नेता भी बताया जा रहा था? जी बताया गया है सर, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, जल्द ही इस केस का उद्भेदन करेंगे।